सलमान खान को मिली धमकी पर बोले राम गोपाल वर्मा, जब काला हिरण मारा तब लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का था। जी हाँ, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम मीडिया में छाया हुआ है और फेसबुक पोस्ट में एक आरोपी ने दावा किया कि हत्या बिश्नोई गैंग ने की है। वो एक गिरोह जो कथित तौर पर कई हाई प्रोफाइल हत्या और जबरन वसूली के मामलों के पीछे है। भले ही पुलिस ने अभी तक एनसीपी नेता की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिंक की कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है, लेकिन फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर मामले का अपना एक वर्जन पेश किया है। दरअसल राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा, 1998 में जब हिरण की हत्या हुई थी तब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का बच्चा था और बिश्नोई ने 25 साल तक अपनी रंजिश रखी और अब 30 साल की उम्र में वो कहता है कि उसके जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना है ताकि उस हिरण की हत्या का बदला लिया जा सके। अब ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि क्या ये पशु प्रेम अपने चरम पर है या भगवान एक अजीब मजाक कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला 1998 में राजस्थान में हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान हुआ था। इससे बिश्नोई समुदाय नाराज हो गया था जो इस जानवर का सम्मान करता है। 2 दशक बाद 31 साल के लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के खिलाफ अपनी गहरी नाराजगी सबके सामने जाहिर की है। 2018 में जोधपुर में एक अदालत में पेश होने के दौरान बिश्नोई ने कहा, हम सलमान खान को मार देंगे, एक बार जब हम कार्रवाई करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा। और तब से सलमान खान को अपनी जान को खतरे में डालने वाली कई धमकियां मिली हैं और ये मामला इस साल अप्रैल में उस समय चरम पर पहुंच गया जब बिश्नोई गिरोह से जुड़े 2 शूटरों ने उनके बांद्रा स्थित घर के बाहर गोली चलाई। इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि 66 साल के बाबा सिद्दीकी की हत्या से उनका बिश्नोई गैंग का कनेक्शन तब सामने आया जब फेसबुक पोस्ट पर दावा किया गया। इसमें कहा गया कि जो सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा अपना हिसाब किताब लगा कर रखना, और इसे शुभु लोनकर नाम के एक शख्स ने पोस्ट किया था। पुलिस को शक है कि वो बिश्नोई गैंग का साथी शुभम रामेश्वर लोनकर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सलमान खान के करीबी माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को 3 शूटरों ने हत्या कर दी थी। वहीं आरजीवी यानी राम गोपाल वर्मा एक के बाद एक 2 ट्वीट में आगे लिखते हैं, इस गैंगस्टर का स्पीकर विदेश से बोलता है, अगर कोई बॉलीवुड लेखक ऐसी कहानी लेकर आता है तो लोग उसे इस हास्यास्पद कहानी के लिए पीटेंगे। और साल 1998 में जब हिरण की हत्या हुई तो लॉरेंस बिश्नोई महज 5 साल का बच्चा था, लेकिन बिश्नोई ने 25 साल तक अपनी नाराजगी बरकरार रखी और अब 30 साल की उम्र में उनका कहना है कि उनके जीवन का मकसद सलमान खान को मारना है, उस हिरण की हत्या का बदला लेना है। क्या ये पशु प्रेम की पराकाष्ठा है या ईश्वर कोई अजीब मजाक कर रहा है। आपको बता दें कि कंपनी रोड और डी कंपनी जैसी फिल्में बनाने वाले राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट ने यूजर्स के बीच हलचल मचा दी है। एक यूजर ने लिखा है, लॉरेंस बिश्नोई जानते हैं उन्हें सिर्फ सलमान खान के नाम की वजह से ही चर्चा मिलती है, इसलिए वो इसे बार बार दोहराते रहते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, ये वास्तव में एक फिल्म के लिए एक अजीब कहानी है लेकिन असल में बहुत डरावना है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल।